हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज हम बात करने वाले हैं इसरो असिस्टेंट 2017 एग्ज़ाम के बारे में। पिछले दो दिनों से मैं सेशन नहीं कर पाया था ड्यू टू मेडिकल रीजंस, आई वाजंट वेल, थोड़ा सा टेम्परेचर था। तो आज से हम दोबारा से जो है अपने सेशन जो है वो रेगुलरली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, वी गॉट 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑन आर चैनल स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप सब स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ तक लेकर आए हैं अभी तक तो। एंड अभी हम अगला टारगेट करेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई मीन आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हो, यू लाइक आर वीडियोस, आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एग्ज़ाम बहुत इजी है। इसमें बीई और बीटेक जो है इंजीनियर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। बार बार ये इंजीनियर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट, हमने ये किया वो किया। नहीं, बीई और बीटेक जो है एलिजिबल नहीं है। तो ये एक बात की गांठ बांध लीजिए, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीई बीटेक करा है या एग्रीकल्चर में करा हुआ है या कोई किसी भी ऐसी चीज़ में करा हुआ है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में जो ये मेंशन नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बीसीए, बीएससी, ये सब सब्जेक्ट्स में करा है तो ही आप एलिजिबल हैं। बाकियों में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी, इसके बारे में आगे भी डिटेल में बात करेंगे। एक टेस्ट होता है सिंपल सा जो स्किल टेस्ट होता है, उसमें एक्सेल शीट एक बनवा लेते हैं या 1,000 स्टूडेंट्स का एक डेटा दे देते हैं, बताइए कि टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं। इसका एक मैं प्रॉपर सेशन जो है मैं करने वाला हूँ, ज़रूर वो सेशन को देखिएगा। लेकिन अभी के लिए जो एग्ज़ाम है उसकी बात करते हैं। 26 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज एज ऑन 31 ऑफ 31st ऑफ जुलाई, तो एलिजिबिलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो पास होने के, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं अगर आप जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्योंकि बहुत फिल्ट्रेशन बहुत हो रही है, राइट। एप्लीकेशन की डेट्स, वैसे इसके बारे में ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ, 31st ऑफ जुलाई लास्ट डेट है, अभी भी बहुत टाइम है, प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए, अभी भी आई थिंक 10 दिन पड़े हैं। तो 100 रुपये जस्ट फीस है। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, SC ST ये सब हैं, PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सबको तो फ़ी भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में अपना अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लिंक में जाइए और अप्लाई कर दीजिए। अगर वुमेन कैंडिडेट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम ज़्यादा मत लगाइए इनके, मैंने देख लिया इनके सर्वर जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, 31 तारीख को ये सर्वर इनके बहुत बिजी हो जाएंगे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे 31 को, तो 31 से पहले पहले आज या कल जो है अप्लाई कर लें तो ही अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम की डेट जो है इन्होंने टेंटेटिव डेट बता दी है कि 15 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन ये 9th जो वेन्यूज हैं तो यहीं पे एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप ये सोच के एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे कि बहुत दूर है या नहीं होने वाला है, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। प्लीज़ अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि यहाँ तक पहुँचें। अगर मैं लुधियाना में बैठा हूँ तो न्यू दिल्ली तो इट इज़ 300 किलोमीटर है, आपके घर से अगर 200, 300, 400 किलोमीटर दूर कोई सेंटर पड़ रहा है तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत कीजिए। ये ज़्यादा फ़ी नहीं ले रहे हैं एग्ज़ाम, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ ये जो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करें। अभी एग्ज़ाम पैटर्न जो मेन हमारा मोटिव है पूरा ये सेशन करने का, उस पर आते हैं। अगर मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको पूरा जो पिछला पेपर है वो दिखाऊंगा, बहुत ही इजी पेपर आता है, बहुत ही इजी पेपर आप कह लीजिए। आपको एक बार मैं पेपर दिखा ही देता हूँ, वैसे देख लीजिए पेपर ही देख लीजिए सीधा एक बार। ये देखिए लास्ट ईयर का ये जो पेपर है, ये देखिए क्वेश्चन कैसे से आ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 4500 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3375। अभी ये क्वेश्चन है, आप बताइए कि सिर्फ 3 घंटे में, देखिए लेट मी शो यू दिस, 3 घंटे में 10 बजे से लेके 1 बजे तक का पेपर है ये, 3 घंटे में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हो 3 घंटे में, क्या आप इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? और इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया,
23 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 23 जनरल अवेयरनेस के हैं, 23 अरिथमेटिक, 13 रीजनिंग और 8 कंप्यूटर लिटरेसी और 3 जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एक भी पजल नहीं आई थी पिछली बार, एक सिंगल पजल नहीं आई, एक सिंगल डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नहीं आया। सिंप्लीफिकेशन था, ज्योमेट्री था, उसके बारे में अभी डिटेल में बताता हूँ। देखिए जनरल अवेयरनेस जो आती है उसमें पॉलिटिकल साइंस, साइंस प्लस हिस्ट्री, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ये निभाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे जनरल नॉलेज के 23 क्वेश्चन आए हैं तो कम से कम आप कह लीजिए 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो इनमें से आ जाते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन साइंस, इसके मैं नोट्स जो है वो बना चुका हूँ, स्टडी मटेरियल नोट्स जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो प्लीज़ डाउनलोड कर लें। ये साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और ये पूरा एक्चुअली जनरल अवेयरनेस का पूरा कैप्सूल बना हुआ है, वो डाउनलोड कर लें। करंट अफेयर्स वैसे आप ऑलरेडी अगर IBPS वगैरह की आपने तैयारी कर रखी है और आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जनधन योजना किस डेट को लॉन्च हुआ था, तो ये क्वेश्चन देखिए कहने को पेपर बहुत आसान था लेकिन एग्जैक्ट डेट पता होनी, ये कई बार मैं कहता हूँ कि मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कि डेट कैसे याद रख पाएंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2015 में किसको मिला था, 2017 में किसको मिला था, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड इतने वैसे है तो पॉपुलर लेकिन बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पिछली बार लोगों को, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था, आपको खुद को नहीं पता होगा कि इसरो का अभी कोई एग्जाम होता है। लास्ट ईयर तो कट ऑफ बहुत कम थी, बहुत आसानी से लोग पास हुए थे। इस साल थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाएगी लेकिन कह लीजिए कि एलिजिबिलिटी ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना हाई है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल ही नहीं है। एक तो ग्रेजुएशन चाहिए, तीन तीन चार स्ट्रीम्स ही हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स तो वैसे ही इन्होंने बाहर निकाल दी कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 60% मार्क्स चाहिए, अगर उनकी एज 26 से ज़्यादा है तो वो भी डिसक्वालिफाइड है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग है और जो जो स्टूडेंट्स आप में से इसको क्वालिफाई, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं बिल्कुल अप्लाई कीजिए। बहुत आसान पेपर होता है, 3 घंटे में मैं कहता हूँ आप एक एक क्वेश्चन करके आएंगे। ये IBPS और SBA का पेपर नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि 100 में से 70-75 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है, नहीं, इसमें आपने एक एक क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। जो जो बता रहा हूँ आपने IBPS की तरह, ये नहीं है कि यार मैं ये नहीं करता हूँ मेरा फिर भी चलेगा, मैं ये वाला मैं डेटा सफिशिएंसी नहीं करूंगा पेपर में तो आपका चलेगा, नहीं, इसमें नहीं है, इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप ये अगर पेपर में सोच के जाएंगे, देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो पेपर में जाएंगे वो साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री शायद ना करके जाएं, आपने नहीं छोड़ना है। पेपर बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है और ऑफलाइन होता है, तो साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। चार चार, तीन तीन, चार चार क्वेश्चन पिछली बार आए थे और इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बहुत आसान पेपर था। इसका मैंने सिंपल सा कैप्सूल बनाया हुआ है 70 पेज का, वैसे इसका हिस्ट्री और पॉलिटी का एक बार ज़रूर देखें, साइंस का भी नोट्स बना हुआ है एक बार ज़रूर देखें, नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिए हैं। स्टैटिक GK और करंट अफेयर, जैसे आप IBPS की स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसके कैप्सूल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये तो जैसे आप नॉर्मल स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए, बट अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा कैप्सूल पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर जो एडियम्स और फ्रेजेस जो आए थे आप मानेंगे नहीं कि कितने, आपको दिखाता हूँ मैं इंग्लिश का पेपर, अभी इंग्लिश का पेपर देख लीजिए एक बार, मतलब मैं एक बार तो खुद देख के हैरान हो गया था कि इतना आसान पेपर भी कोई आता है। ये देखिए, इट इज़ फुलिश टू स्प्लिट हेयर्स ओवर दिस इशू, एज मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ लेकिन मुझे अब देख के पता चल रहा है कि स्प्लिट हेयर्स यार बाल पकड़ पकड़ के, मतलब वो तो ये होगा ना आर्ग्यू एट अ लाउड वॉइस, मतलब ये देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन है, मेक हे वाइल द सन सनशाइन्स। अब ये इडियम आया है, आप शायद अगर 8th से 9th क्लास में आपने पक्का पढ़ा होगा, मेक हे वाइल द सनशाइन्स, बहती गंगा में हाथ धो लो। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैंने इंग्लिश जितनी आपने पढ़ी है शायद मैंने भी उतनी पढ़ी है, लेकिन इसका आंसर मुझे भी पता है, मतलब बेसिक 8th 9th में शायद आपने ये पढ़े होंगे। ये इसकी ये भी देख लीजिए, वो कैब भी कितनी ज़्यादा इजी आई थी, आर्यभट्ट वाज बाय लॉन्ग ऑड्स, मतलब सिंपल से फॉर सेक, फॉर गॉड सेक, मतलब फॉर सेक वगैरह इनक्रोच, मतलब बहुत आसान। इंग्लिश का पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान आया था, मैं कहूंगा कि आसानी से एक एक क्वेश्चन करने वाला था। ये बत देखिए, ये ऑल्टरनेट चुनिए वर्चुअल वाइज, अभी ये देखिए आप बचपन में
दिवाली पे ऐसे लिखते थे शायद, उस पे भी उसका ये लिखा करते थे, एक पहली लाइन ऐसे ही कुछ वर्चू वाला होती थी कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, तो यहाँ पे यूज होता था। तो बेसिक सा है, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, फिर भी अगर मुझे पता तो आपको भी पता होगा, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश की नॉलेज है शायद बराबर ही होगी। यहाँ पे देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस का अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ककरापुर पावर स्टेशन इज लोकेट, मतलब ये बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि गूगल्स कंप्यूटर प्रोग्राम अल्फा गो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आसानी आसान क्वेश्चन थे, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि जितना आईबीपीएस और एसबीआई के पेपर जितने डिफिकल्ट होते हैं, उतना डिफिकल्ट पेपर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लें इजिली हो सकता है। मुझे क्वांट का पेपर तो बहुत ज्यादा इजी लगा, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा आप कह लीजिए अमेंडमेंट्स ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी आनी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये देखिए हिस्ट्री भी डाल दी है, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो करंट अफेयर्स है, ये 34वां क्वेश्चन ये भी आ रहा है, थोड़ा सा ये भी करंट अफेयर्स में आ रहा है। रिसेंटली लॉन्च मेक इन इंडिया किसने लॉन्च किया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक आ गया। तो बहुत मिक्सअप सा है ये। मैं आपको क्वांट का पेपर एक दिखाता हूँ, ये देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड हु हैज बीन अवार्डेड, ये भी करंट अफेयर से आया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये देखिए ये क्वेश्चंस देखिए क्वांट के, क्या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ये। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा क्या, 4500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3375 आए। और ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए, ये सिलेंडर के क्वेश्चन आ गए हैं, ये ज्योमेट्री का अगर आपको बेसिक नहीं पता तो कैसे करेंगे। सिंपल फॉर्मूला आता है तो ये सिलेंडर वाला आप कर लेंगे, ये फिर से ज्योमेट्री आ गई है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देख के आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप डिफिकल्ट वाले एसबीए लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मली, तो ये तो बड़ी आसानी से कर ही लेंगे ना। तो देखिए कुछ भी नहीं है, ये टाइम एंड डिस्टेंस के सिंपल से क्वेश्चन है, जो टॉवर्ड ईच अदर वाले क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इतना खास नहीं है। चलिए डिटेल में आपको बताता हूँ, अभी पेपर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दिया हुआ है। अगर प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं, इडियम फ्रेजिल सिनोनिम एंटोनिम 3 क्वेश्चन जो आए थे, बहुत आसान क्वेश्चन, 5 फिल इन द ब्लैंक्स के, एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के 5 क्वेश्चन थे। 23 क्वेश्चन आए थे, 23 के 23 करने वाले थे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला था ही नहीं। जीके में ठीक है आपको 23 क्वेश्चन आए, अगर आपको 17, 18, 15 भी आते हैं तो आप करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि 100% अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे अरिथमेटिक में डीआई लास्ट ईयर डीआई नहीं था, लास्ट ईयर देर वॉज नो डीआई। इस साल भी आई एम नॉट श्योर कि डीआई आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने इसरो के 2-3 पेपर पिछले साल के देखे हैं, कहीं पे भी डीआई का नामो निशान नहीं है। सिंपल से सिंप्लीफिकेशन के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, 2-3 सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, बहुत सिंपल। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री इस, ये देखिए अगर ये शायद चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने ये छोड़े हुए हैं तो प्लीज इसका सिलेबस कवर कर लें। वैसे भी अगर आप बैंकिंग की तैयारी पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं और आपका एसबीआई आईबीपीएस कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी बहुत सारे पेपर्स और आते हैं, आपको उसकी तैयारी भी साथ में करनी चाहिए। और उसमें हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पक्का होता है, ये होता है, और साथ में थोड़ी सी ये जो जनरल अवेयरनेस है, साइंस पॉलिटी हिस्ट्री, ये थोड़ी सी पढ़ लें। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो आप स्टेट एग्जाम्स के लिए भी तैयार हैं, आप एसएससी वगैरह सभी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। रेशियोज, एवरेजेस, परसेंटेज, सीरीज, अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे, एलजेब्रा, एलजेब्रा में से कह लीजिए 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हो गई, ये सब आते हैं। यहाँ पे अगर आप लैग करेंगे तो थोड़ा सा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सब का वैसे मैंने नोट्स बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स जरूर देखें एक बार। रीजनिंग में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी, अगर आप आईबीपीएस एसबीए की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपने ये मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, या आप जो पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते थे, जो पुराने जमाने में क्वेश्चन आते थे 2010 2011 के टाइम में, जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे, तो ये क्वेश्चन आते थे मिरर इमेजेस वगैरह वाले। आज की डेट में ये क्वेश्चन कोई नहीं करता है, बुक्स में भी आने बंद हो गए हैं, क्योंकि जो नए पैटर्न है, नया पैटर्न जो है आईबीपीएस एसबीआई का, उसमें मिरर इमेजेस के लिए कोई जगह नहीं है। ऑनलाइन पेपर में मिरर इमेजेस फोल्डेड पेपर फोल्डिंग वाले जो क्वेश्चन आते थे, शायद जिसने अभी 6-7 महीने से तैयारी शुरू करी है उसने तो शायद इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। जो पुरानी बुक्स होती थी उसमें ये होता था यार मिरर इमेजेस के क्वेश्चन ये वो, तो वो आपको करने पड़ेंगे। 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें से जरूर आने के चांसेस हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ये जरूर करें।
तो पजल देखिए, लास्ट ईयर कोई पजल नहीं आई थी, लास्ट ईयर देर वॉज नो पजल, लास्ट ईयर कोई बड़ा क्वेश्चन सेट वाले क्वेश्चन तो एक भी नहीं था ना। आप ध्यान से पिछले पेपर का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दूंगा, ध्यान से देखें, एक भी पजल नहीं थी, एक भी डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं था, लंबे क्वेश्चन तो थे ही नहीं, एक भी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, लास्ट ईयर में ये कुछ भी नहीं था। तीन चार क्वेश्चन, ये 13 तो क्वेश्चन थे टोटल, रीजनिंग में से 13 क्वेश्चन थे, दो तीन मिरर इमेजेस में से डाल दिए उन्होंने, एक आई थिंक दो ब्लड रिलेशन से थे, एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस था, अल्फाबेटिकल सीरीज से दो तीन, एक दो क्लॉक्स एंड कैलेंडर था, ऐसे करके इन्होंने ये अपना क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन इनइक्वालिटी से थे, ऐसे करके इन्होंने अपना पूरा पेपर कवर किया हुआ था। तो अगर ध्यान से मैं देखूं पेपर को, ध्यान से देखूं, तो आपने 100% अटेम्प्ट कर रहा है, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत बहुत टाइम है, आई मीन 3 घंटे में क्या है, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप IBPS SBI की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आप 1.5-2 घंटे में सारा पेपर निपटा देंगे और पेपर में वेले बैठे रहेंगे। यार अब क्या करें, डिस्क्रिप्टिव का पेपर लेके बैठ जाएंगे 1 घंटा, यार अब बैठो आराम से, 2 घंटे में आप 100% पेपर जो है वो कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर लिटरेसी की बात करूं, लास्ट ईयर MS ऑफिस में से क्वेश्चन आए थे, इंटरनेट टर्म्स में से क्वेश्चन आए थे, MS ऑफिस में से आप कह लीजिए कि बेसिक एक्सेल और पावर पॉइंट में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक कह लीजिए कि सम का फॉर्मूला क्या, बेसिक फॉर्मूला मिनिमम मैक्सिमम के फॉर्मूले पूछ लेंगे, या जो इंडेक्स होता है, जो वर्ड की फाइल में इंडेक्स बनाना होता है, स्टार्टिंग में जो इंडेक्स बनता है वो कहाँ होता है, फाइल में होता है या एडिट में होता है, रेफरेंस में होता है, कहाँ होता है, तो ये टिक करिए। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, इंटरनेट की नई जो टर्म्स आई हैं, नई बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये सब के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, नई नई इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई टर्म्स आ रही हैं, वैसे तो ये क्लब कर सकते थे, एक दो क्वेश्चन इसमें से भी ज़रूर आएंगे। तो बाकी वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, जो बेसिक्स हो गए आप कह लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, वो टोपोलॉजीज होती हैं पुरानी, आपको पता ही होगा भी कौन कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती है, नेटवर्क गेटवे क्या होता है, हब क्या होता है, मॉडम क्या होता है, तो बेसिक से क्वेश्चन जो है इसमें से, वैसे क्वेश्चन तो गिनती के आपको 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लास्ट ईयर के अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वो भी इस बहुत सिंपल थे, लेटेस्ट ट्रेंड, मतलब ऐसे करके आपके टोटल 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन MS, एक दो क्वेश्चन MS ऑफिस से लगा लीजिए, दो तीन इंटरनेट टर्म्स और इसमें से इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में से, एक दो क्वेश्चन यहाँ से नेटवर्क में से, और एक दो क्वेश्चन जनरेशन कंप्यूटर से, तो ऐसे करके 8 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, बहुत आसान। अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूँ, वैसे मैं ऑलरेडी इस पे काफी अच्छे सेशंस कर चुका हूँ, ऐसे राइटिंग में जो टॉपिक लेटेस्ट होता है, पॉपुलर होता है, उसके बारे में पूछा जाता है, आपको पहले इंट्रो देनी होती है, फिर उसके बारे में उसके प्रॉज एंड कॉन्स, और फिर कंक्लूड करना होता है, आपने अपना ओपिनियन देना होता है, चाहे उसके फेवर में दे दीजिए चाहे उसके अगेंस्ट चले जाइए। सिंपल सी लेटर राइटिंग कभी कभार आ जाती है, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसेज राइटिंग, आप सबकी तैयारी करके जरूर जाइए, मैंने जो ईबुक अभी नीचे शेयर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में सारा दिया हुआ है, प्लीज फॉलो दैट ईबुक, राइट। तो चलिए, जो इसरो का स्टडी मटेरियल है इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, bankexamstoday.com पे जाइए और इसरो के जो नोट्स हैं जो हमने बनाए हैं इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, आप कॉल कर सकते हैं 0161-460-8671, इस पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसरो पे और जो वीडियोस है बनाता रहूँगा, अभी कंप्यूटर अवेयरनेस पे भी मैंने शुरू करनी है क्योंकि मैं कंप्यूटर अवेयरनेस भी पढ़ाता हूँ, क्वांट रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस और बैंकिंग, ये मेरे जो है सब्जेक्ट्स हैं, इस पे मैं पढ़ाता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, जो अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ 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 अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीट्स काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सीट्स हैं लेकिन एग्ज़ाम बहुत इजी है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड IBPS SBI में थोड़े से मार्जिन से फेल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। अक्टूबर में अभी पेपर होना है, साइंस पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, ज्योमेट्री का एक चैप्टर, मैं एक सेशन ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे अभी एक, मैं अभी 4-5 जो है सेशन उस पर करने वाला हूँ मेंसुरेशन पे, और 3-4 सेशन जो है ज्योमेट्री की बेसिक्स पे, तो वो भी मैं आपका कवर जरूर करवाऊंगा, और ये सब इनफ हो जाएगा, अक्टूबर बहुत टाइम पड़ा है अभी,
15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, कोई फीस नहीं है, 100 रुपये फीस है। बस मेहनत वाली बात इतनी है कि आपको काफ़ी दूर जो सेंटर है ये देख लीजिए, सेंटर कितनी दूर है, ये इतनी दूर दूर सेंटर बने हुए हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तो ये सेंटर्स हैं। यहाँ तक पहुँचना ही 15 तारीख को एक बड़ी बात होगी, बस और कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इसरो एक बहुत एक अच्छा ब्रांड है कह लीजिए, अभी ब्रांड मैं इसलिए कहूँगा कि इंटरनेशनली अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है इसरो। आज से 5-7 साल पहले इसरो के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, लेकिन इसरो ने पिछले 2-3 सालों में बहुत बहुत अच्छा काम किया है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विथ। तो आई थिंक मैं इसकी इसरो की तारीफ में ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, एंड आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको सही गाइड करना मेरा एक कह लीजिए कि एक ड्यूटी है। अगर आप एलिजिबल हैं, 26 साल तक के हैं और 26 साल से कम है आपकी एज, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपने आर्ट्स बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह कर रखा है, इंजीनियर अलाउड नहीं है, एलिजिबल नहीं है, अगर आपने बीए, बीकॉम वगैरह कर रखा है, बीसीए, बीएससी साइंस में करा हुआ है, तो आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और जो नोट्स हैं, जो लिंक ऑफ नोट्स है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में है, raman@bankexamsstudy.com ये मेरा ईमेल आईडी है। तो ये वैसे नंबर है, फ़ोन नंबर है, ये 10 बजे से लेके 6 बजे तक, 10 AM से लेके 6 PM तक ये फ़ोन है, ये वर्किंग ऑर्डर में होता है, कभी भी कॉल कीजिए, संडेज को नहीं चलता है। तो थैंक यू, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।